आई वेलकम यू ऑल टू ए ग्रेट हेल्थी फैमिली। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ए ग्रेट हेल्थी फैमिली में। आजकल हर एक कंपनियाँ खोलती है प्रॉफिट बनाने के लिए, और मैंने भी एक कंपनी खोला है बस लोगों का हेल्थ के लिए। आजकल बीमारियाँ हर लोगों में है, 95% वर्ल्ड में हर लोग बीमार है, वो चाहे अमीर हो या गरीब, सब में बीमारियाँ है। इसीलिए मैं आप में से हर किसी को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरे देखें और इसको और भी लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं। इस वीडियो को शेयर होना ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में लोगों का ज़िंदगी है। चलो शुरू करते हैं। जो ऑयल्स आप लोग यूज़ करते हो क्या वो प्योर है? चलो जानते हैं सबसे पॉपुलर ऑयल सनफ्लावर ऑयल के बारे में। कड़वा सच, एक लीटर सनफ्लावर ऑयल बनने के लिए 5 kg सनफ्लावर सीड्स चाहिए होता है, और अगर बल्क में जाके लेते हो तो 1 kg पड़ेगा 100 rupees। सो 5 kg इंटू 100 कितना हुआ? 500 rupees। सो सनफ्लावर सीड का कॉस्ट पड़ेगा 500 rupees, और उसका मेकिंग कॉस्ट ऑफ 5 kg हम देखते हैं तो मिनिमम 50 rupees ऐड करते हैं उसमें। सो कितना रुपीस हुआ? 550 rupees एक्चुअल सनफ्लावर ऑयल का प्राइस। सो वो एक्चुअल 550 rupees का वो चीज़ वो लोग 134-140 rupees में सब कैसे देते, सोचिए। अब हम देखेंगे सबसे पॉपुलर ऑयल ग्राउंडनट ऑयल के बारे में। मुंबई में ग्राउंडनट ऑयल सिंह ऑयल के नाम से मशहूर है। 1 लीटर ग्राउंडनट ऑयल बनने के लिए 4 kg ग्राउंडनट्स लगता है, और अगर जाकर बल्क में भी लेते हो बहुत ज़्यादा तो 1 kg 100 rupees के हिसाब से मिलेगा। सो 100 × 4 कितना हुआ? 400 rupees हुआ 4 kg का ग्राउंडनट कॉस्ट, और उसका भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऑयल बनाने वाला कॉस्ट देखेंगे हम। 4 kg का 40 rupees रखेंगे मिनिमम कॉस्ट, सो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 440 rupees। सो ये 440 rupees वाला चीज़ ये लोग मार्केट में 250 में कैसे दे पाते हैं, सोचिए। सो अभी तक आप लोगों को ये तो समझ ही आ गया होगा कि ये जो ऑयल्स आप लोग घर पे यूज़ कर रहे हो वो पॉइसन डुप्लीकेट ऑयल है। मैं इसको पॉइसन इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पॉइसन ही है एक्चुअल में। मैं आपको बताऊँगा भी लाइक इस ऑयल में जो आपको दे रहे वो एक्चुअल में क्या ऑयल देते हैं आपको कंपनी। सो लाइक अगर एक कंपनी प्योर ऑयल बनाती है, जैसे कि मैंने अभी एक्चुअल प्राइस बताया था, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बताया हो, ये सनफ्लावर का है 550 rupees पर लीटर, और मतलब ये ग्राउंडनट का ऑयल का प्राइस है 440 rupees एक्चुअल प्राइस है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है। इसमें ना कंपनी का प्रॉफिट ऐड हुआ है, ना पैकेजिंग चार्जेस ऐड हुआ है, ना GST ऐड हुआ है। अगर वो सब ऐड होता है तो ये और भी ज़्यादा प्राइस आएगा। अगर प्योर ऑयल कंपनी बनाती है तो उसको ये प्राइस पड़ेगा। चलो जानते हैं ये फेक ऑयल कंपनीज आपके हेल्थ के साथ कैसे खेलते हैं। आप सबको तो इंजन ऑयल पता ही होगा, जो काला काला इंजन ऑयल बाइक और कार में से चेंज करते हैं, वही काला इंजन ऑयल इकट्ठा करके दूसरे फैक्ट्री में ले जाते हैं, उसको फिल्टर करके पूरा क्लियर बनाते हैं, उसी तरह रिफाइंड ऑयल बनता है। ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मुझे फूड इंस्पेक्टर द्वारा मालूम हुआ है। फेक ब्रांडेड ऑयल कंपनीज उस ऑयल को यूज़ करते हैं जो मार्केट में चीप प्राइस में सेल करवाते हैं। चीप प्राइस देखते ही आप लोग अपने पैसे तो बचा लेते होगे, बट अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो और बीमार भी हो जाते हो, और वही बीमारी को अपने बच्चे में ट्रांसफ़र करते हो जेनेटिकली। आप लोग सोचिए जो 2-3 साल के बच्चे आप स्क्रीन पे देख रहे हो उसने क्या गलती किया है लाइफ में? ना उसने टबैको यूज़ किया है, ना स्मोकिंग किया है, ना कुछ चीज़ यूज़ किया है, फिर उसको ये कैंसर जैसे बीमारी सब कैसे हुआ है? अब मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ ऐसा भी एक ऑयल है जो बॉडी के अंदर से और बाहर से हील करता है, कैंसर जैसे बड़े बीमारियों को भी ये इनिशियल स्टेज में हील करके ठीक करता है, क्योंकि इसमें लॉरिक एसिड पाया जाता है। ये लॉरिक एसिड सबसे मेन चीज़ करता है, ये सेम लॉरिक एसिड ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में भी पाया जाता है।
ये लॉरिक एसिड जो चीज़ है वो इम्यूनिटी सिस्टम का बेस होता है। जैसे कि बात करें ऑयल की, ये ए ग्रेड कोकोनट ऑयल है। प्योर कोकोनट ऑयल तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं अपने ब्रांड का नाम बहुत ज़ोर से ले रहा हूँ, ए ग्रेड कोकोनट ऑयल, क्योंकि हम प्योर कोकोनट ऑयल, सबसे बेहतर कोकोनट ऑयल आपको प्रोवाइड करते हैं। इस ऑयल में हम देखेंगे प्रूफ के साथ, हम आपको भी दिखाने वाले। जो स्क्रीन में आप फोटो देख रहे हो वो बिफोर यूज़ एंड आफ्टर यूज़ का है। अगर ए ग्रेड कोकोनट ऑयल बाहर लगाने से इतना ज़्यादा फर्क लेकर आ सकता है, तो सोचिए ए ग्रेड कोकोनट ऑयल कुकिंग में यूज़ करने से आपके बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा फर्क ये ए ग्रेड कोकोनट ऑयल ले आएगा। वीडियो एंड तक देखे, जिसका पैर है उसका लाइव वीडियो प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, और उसके साथ हमारे कस्टमर का वीडियो भी देख के ऑयल यूज़ करने के बाद। दूसरे कस्टमर के पास है, इनका फीडबैक हम लेंगे और हम जानेंगे उनको कैसे लगा यूज़ करने के बाद। सो आंटी जी, इससे पहले आप कौन सा ऑयल यूज़ करते थे कुकिंग में? सनफ्लावर का करते थे। और उन सब से इसमें आपको क्या अच्छा लगा? इसमें ज़्यादा ड्राई नहीं है, मतलब ड्राई है, ऑयली ज़्यादा चिपचिपाट नहीं है। मतलब जैसा अपना सनफ्लावर का लेते हैं उसमें चिपचिपाट ज़्यादा रहता है, ज़्यादा लगता है उसमें, इसमें नहीं लगता। इसमें एक ही चम्मच में सब काम हो जाता है, एक ही चम्मच ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। कम ऑयल में, कम ऑयल में सब हो जाता है, सब हो जाता है। उसमें पाली भाजी में ज़्यादा डालती हूँ, फ्राई मच्छी में भी ज़्यादा डालती हूँ, उसमें स्मेल अच्छा आता है, नारियल का ही खुशबू आता है इसको अच्छा खाने में, मतलब घर में फेल ही जाता है इसका कुछ। हाँ ऐसा हाँ। लग रहा है कि नारियल हमने खुद पीस के डाला है, ओके। वैसा नहीं, तेल का ही यूज है, ओके। तेल के वजह से खुशबू आती है और अच्छा लग रहा है मुझे, ये तो यूज करना ही चाहिए, ओके। ये खुशबू लाइक मतलब अच्छा खुशबू है ना, मतलब हाँ, अच्छा खुशबू ही आता है इसमें, भी अच्छा आता है इसमें, नारियल का ही परफेक्ट आता है, परफेक्ट स्मेल आता है, ओके। और उसके बाद आपने और किस किन चीज़ों में यूज़ किया? नॉन वेज में यूज़ किया था? नॉन वेज भी किया है, वेज में भी किया है, हाँ, मसाज में भी किया है, यूज़ किया हाँ, है, हाँ, बाल में यूज़ किया है, हाँ, ऐसे किया है। तो आप इन शॉर्ट सब बता सकते हो कैसे लगा, लाइक हाँ, कुकिंग में यूज़ करते टाइम कम लगता है, टेस्ट में कैसा फ़र्क आ रहा है? टेस्ट में नारियल जैसा ही कुछ होता है, मगर इसमें 2 चम्मच हम लोग मत डालते थे ना दूसरा ऑयल, हाँ, उसमें और डालना पड़ता है, इसमें 1 ही चम्मच डालेंगे ना हाँ, तो पूरा सब्जी में आ जाता है, पूरा सब्जी में आ जाता है, ज़्यादा चिपचिपाट नहीं लग रहा, ड्राई लगता है, ड्राई लगता है, 1 चम्मच में काम हो जाता है, उसमें 2 लगता था, इसमें 1 ही लगता है, 1 ही लगता है, ओके। तो 1 लीटर का ऑयल 2 लीटर में हो जाता है, ओके। अपने बचत भी है, हाँ, अच्छा भी है, हाँ, हेल्थ के भी अच्छा है, हाँ, खाने में तो बहुत ही अच्छा है, ओके। और नॉन वेज में कैसा लगा? नॉन वेज हम लोग मच्छी फ्राई ज़्यादा नहीं खाते, मगर फ्राई में हम लोग ज़्यादा डालते थे, वो पहला वाला थे, हाँ, उसमें 1 ही चम्मच डालेंगे ना तो उसमें हो जाता है, अच्छा, पूरा मच्छी फ्राई हो जाता है थोड़ा बहुत, हाँ, 2 चम्मच में पूरा हो जाता है, मतलब अच्छा खुशबू भी आता है, ऐसा मतलब पहले वाला तेल कितना डालना पड़ता? ज़्यादा 3-4 चम्मच डालना पड़ता था हाँ, फ्राई के लिए, उसमें ज़्यादा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, इसमें 2 चम्मच में पूरा आधा मच्छी पूरा ड्राई हो जाता है, ओके। और आपने मसाज में यूज़ किया तो उसमें कैसा लग रहा है? ये मसाज में डालेगा ना तो पहला वाला डालती थी ना बाहर वाला डालती तो फिसलता नहीं था, हाँ, ये डालेगा मसाज के लिए फिसलता है, हाँ, और ज्यादा खुशबू आता है मालिश करने के, मालिश करते टाइम कोकोनट का खुशबू आ रहा है, ओके, पूरा अच्छा लग रहा है, मतलब जख्म भी बच सकती है, हाँ, हेल्थ भी हो सकता है, गर्म पानी से ये लगा के नहाएंगे तो भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खुद मैंने यूज किया है बस, ओके। अब मराठी में कुछ बोलना चाहेंगे जो हमारे व्यूज हाँ, देख रहे हो? हे म्हणजे हे कोकोनट ऑइल आहे ना खरं, हे आपण जसं जेवणात वापरतो ना तसं नारळ कप किसून ओला टाकतो तसं त्याची ज्याची टेस्ट येते, त्या टेस्टला तर खोबऱ्याची गरज नाही लागत, खोबऱ्या तेलाची गरज लागली तरी खूप सुंदर लागते, वास येतो सुंदर सुगंधी वास पण येतो खोबऱ्यासारखा, पण आपण खोबरं नाही वापरलं तर तेल वापरलं तरी पौष्टिक आहे, हा त्याच्यात काही हानी नाही होणार, बाधिकार नाही होणार, आपल्याला एकदम सॉफ्ट वाटणार, जास्त तेलकट पण नाही आहे, ड्राय आहे, एकदम चिपचिपाटचा कमीपणा येतो, एकदम ड्राय होतो, थँक यू। तो अभी मैं अपना एक कस्टमर का वीडियो शेयर करने वाला हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है, बोलिए। देखो भाजी बनाते हैं तेल पर, अच्छा है, उतना नहीं है, थोड़े तेल में भाजी इतना मस्त फर्स्ट क्लास होता है, और हमको अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा। इतना टाइम से आप कौन सा तेल यूज करते थे ऐसे? मतलब पामोली तेल करते थे, राई का तेल यूज करते थे, राई का तेल यूज करते थे, बेहतरीन तेल है, ओके। इसमें आपको क्या अच्छा लगा ऐसे, क्या अच्छा लगा? अच्छा लगा जैसे एकदम पूरा उड़ता था तेल, तो धुआं जैसा लगता था, वैसा नहीं लगता, अच्छा एकदम फर्स्ट क्लास लगता है। भाजी का भाजी का टेस्ट कैसे आ रहा है? अच्छा था, पता नहीं चला, कहीं
क्या चीज का तेल है। हाँ मतलब किसी में भाजी बनाए उसमें किसी फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा ना। ओके अच्छा लगा, मगर हमको तो बहुत अच्छा लगा। इसमें केमिकल नहीं है मगर बहुत अच्छा लगा इसमें तेल भाजी बनाने। अपना दूसरे कस्टमर का वीडियो शेयर करने वाले, उनके फीडबैक देखेंगे हम। ओके तो आपको ये कैसा लगा यूज करने के बाद? ऑयल अच्छा है, टेस्ट में भी अच्छा लग रहा है। ओके इतना टाइम से आप लोग कौन सा तेल यूज करते थे? सनफ्लावर ऑयल। ओके और इसमें ऐसा क्या अच्छा लगा आपको? मतलब अभी खाने में तो अभी फर्स्ट टाइम यूज किया है। हाँ अच्छा लग रहा है अभी। टेस्ट में कुछ डिफरेंट आ रहा है इसे? हाँ। मतलब कैसा का वास आ रहा है? वास आ रहा मतलब कैसे? मतलब अच्छा फ्रेश लग रहा है। फ्रेश लग रहा है। और टेस्ट में? टेस्ट में भी अच्छा है। अच्छा तो इसमें कोकोनट का स्मेल कैसे आ रहा है? मतलब खराब ऐसा लग रहा है स्मेल? नहीं नहीं अच्छा है। अच्छा आ रहा है और टेस्ट भी लाइक अच्छा ही आ रहा है ना? अच्छा। ओके 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 तो इसमें जैसे कि एक मतलब एक साल के अंदर ही आप लोग यूज करते टाइम आपको हेल्थ बेनिफिट गारंटी मिलेगा। इससे पहले आपने कौन सा ऑयल यूज किया था कुकिंग में? सनफ्लावर ऑयल यूज किए थे कुकिंग में। और ये कुकिंग में यूज करने के टाइम आपको कैसा लगा? ये तो बेटर है उससे। हाँ कोई कोई चीजों में जैसे कम ऑयल लगता है। हाँ तो ये कम ऑयल में बन जाता है। हाँ और टेस्ट में भी ज्यादा थोड़ा सा मतलब हल्का फर्क है लेकिन अच्छा है, थोड़ा एनहांस हो जाता है टेस्ट। मतलब टेस्ट ज्यादा आ रहा है? मतलब टेस्टी आ रहा है फूड। नॉर्मल ऑयल यूज करते टाइम से मतलब उससे कंपेयर करते टाइम ये डिफरेंस पता चला। मैंने घर में बताया नहीं था, जब हम लोग ने बताया तो मेरे भाई को डिफरेंस पता चला तो उसने पूछा, तो मैंने बोला कि इसमें ऑयल चेंज किया था मुझे, तो इसके लिए उसको अच्छा लगा। मतलब टेस्ट ज्यादा बढ़ा है? हाँ टेस्ट अच्छा आ रहा है। अच्छा टेस्ट अच्छा आ रहा है। हाँ, तो घर में सबको अच्छा लगा वो। हाँ, तो इसके लिए हम लोग ने और मंगवाया। और मंगवाया यस। और आपने और किन किन चीज़ों में यूज़ किया? मुझे हेयर में यूज़ करके देखिए। मैंने हेयर में भी यूज़ किया। हाँ और जैसा इस पर आपने बताया था कि फेस पे भी यूज़ करना है, फिर इसको ड्रिंक भी कर सकते हैं, तो स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं करके, तो वो सब मैंने तो अभी ट्राई नहीं किया। मुझे हेयर का ज़्यादा कंसर्न था क्योंकि मैं हेयर ऑयलिंग करती नहीं हूँ। क्योंकि कोई भी ऑयल जो भी मार्केट में है, जो भी डॉक्टर्स भी देते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, वो भी मेरे को हेयर सूट नहीं करता है। नॉन ग्रीसी नॉन स्टिकी बोलते हैं, इस पर लिखा हुआ रहता है लेकिन वो ऑयल निकलता नहीं है हेयर वॉश करने के बाद भी दो बार। तो ये मैंने एक दिन यूज किया था तो उसके बाद ये निकल गया था। ओके हेयर से ईजी। अच्छा तो इसके लिए फिर मैं इसको हेयर पे भी यूज कर रही हूँ। ये उसका ये भी बेनिफिट मुझे रिजल्ट आया। और नॉनवेज में यूज़ किया ये ऑयल? हाँ नॉनवेज में भी यूज़ किया है। कोई डिफरेंस मतलब ऐसा कुछ स्मेल नहीं आ रहा है अलग से, या कुछ टेस्ट में डिस्टर्बेंस हो रहा है, कुछ भी नहीं, अच्छा ही बन रहा है। अच्छा ही बन रहा है। चिकन में ट्राई किया था। चिकन में ट्राई किया था। ओके तो इसको एक साल तक यूज़ कीजिए, इसमें से आपको हेल्थ बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। एक साल के अंदर ही आपको मालूम पड़ेगा यूज़ करते टाइम। ठीक तो अब हम ए ग्रेड कोकोनट ऑयल का मतलब ये पावर देखेंगे ऑयल का। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारा एक पेशेंट है, उसका मतलब पैर पे ऐसे आया हुआ है, देखो। सो ऐसे आया हुआ है। दूसरा पैर बताना। सो ऐसे आया है। तो जैसे कि ये ऑयल अंदर से भी हील करता है और बाहर से भी हील करता है। तो हम इसको देखेंगे, हम मतलब एक चार दिन मतलब कंटिन्यू यूज़ करने वाले। ये तुरंत इफेक्ट नहीं देता है, मतलब अगर हल्का होता तो तुरंत इफेक्ट देगा, इसको चार दिन लगेगा मेरे ख्याल से। सो हम चार दिन अपने पेशेंट को ए ग्रेड कोकोनट ऑयल यूज़ करने बोलेंगे और हम इसके बाद इसका वीडियो भी देखेंगे, मतलब क्या हो रहा है इसके बाद इसका पैर में उसके बाद। सो मैं तुम्हें ये रेकमेंड करूँगा, ये ऑल इन वन ऑयल है, इसको मतलब कुकिंग में भी यूज़ करो और अपने मतलब जो पैर पे अभी लगा है उसमें भी यूज़ करके देखो। ठीक है और तुम्हारा बाकी हम देखेंगे तुम्हें कैसा लग रहा है। ओके ठीक। मैं लखनऊ ऑफिस में हूँ, कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ। सो जैसे कि मेरी वाइफ डॉक्टर है, एक्चुअली हम लोग ये ऑयल हमारे पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते। सो लाइक इसको इन्फेक्शन हो गया था और ये लोग मतलब सालों से ये मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते। सो अब इनके मुंह से हम जाने कि इनको कैसे लगा यूज़ करने के बाद। सो विल से इट। सो आप आ जाइए यहाँ पे। ओके पहले वाले वीडियो में तो आप लोग ने देखा होगा इनको पैर में इन्फेक्शन आ गया था और हम ये भी जानेंगे जैसे कि इनको कुकिंग में और बाकी चीज़ों में सब यूज़ करने के बाद इनको कैसे लगा।
पहले हम इनका पैर देख लेते कि कैसा क्या फर्क पैर में आया है। हमारा पैर दिखाना मुझे एक बार। तो दोस्तों देख सकते हो इसका पैर पूरा ठीक हो गया। दूसरा पैर दिखाना। सो ये देख सकते हो इसका पैर पूरा ठीक हो गया है, राइट। इसका पैर पूरा ठीक हो गया है। पैर का एलर्जी ठीक होने के लिए कितना टाइम लगा आपको? मुझे 5 दिन कंटिन्यू यूज किए हैं, बस मेरा पैर का एलर्जी सही हो गया। पांच दिन लगा जी। ओके। और इससे पहले आप कुकिंग में कौन सा ऑयल यूज करते थे? इससे पहले मेरे यहाँ सरसों का ऑयल यूज होता था। सरसों का ऑयल यूज करते थे जी। कितना सालों से सरसों का ऑयल यूज कर रहे हैं? ये लगभग मेरे यहाँ सरसों का ऑयल लगभग 8 साल से यूज हो रहा है। 7 साल से। 8-7 सालों से यूज हो रहा है। ओके। सो उनमें और इसमें आपको क्या फर्क दिखा? मुझे सरसों ऑयल में और एक ग्रेट कोकोनट ऑयल में मुझे बहुत डिफरेंस दिखा, क्योंकि उस ऑयल से इस ऑयल में अगर कोई भी चीज़ बनाते हैं, खाना या कुछ भी चीज़ें, तो बहुत डिफरेंस, बहुत स्वादिष्ट बनता है इस ऑयल से, कोकोनट ऑयल से। एक ग्रेट कोकोनट ऑयल से स्वादिष्ट बनता है। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है, खाने का टेस्ट आ रहा है जी। और आपने ये ऑयल और किन किन चीज़ों में यूज़ किया था? मैंने एक ग्रेट कोकोनट ऑयल पूड़ी में यूज़ किया, पराठा बनाने में यूज़ किया, और प्लस दलिया सुबह बनाते हैं उसमें यूज़ किया। तो मुझे पहले दलिया हमारे यहाँ उससे बनती थी सरसों ऑयल में, तो मुझे पसंद नहीं आया, मुझे अजीब तरीके टेस्ट था, तो मैंने इससे यूज़ किया, तो बहुत ज़्यादा अलग टेस्ट आया, बहुत पसंद आया। और पराठा पूड़ी कुछ भी बनाते तो बहुत अलग टेस्ट का, बहुत अच्छा बनता है, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है एक ग्रेट कोकोनट ऑयल का। और आपने और मतलब फेस पे या हेयर पे या किसी बॉडी में लगाया? यूज किया हेयर पे। किसमें यूज किया? बॉडी में और हेयर पे यूज किया। हाँ। बाकी पैर पे तो यूज ही किया, तो पैर सही हो गया। बाकी हेयर पे हमने इससे पहले हम बजाज का तेल यूज करते थे, मतलब सर पे पहले बजाज का तेल यूज करते थे। इससे पहले सर पे बजाज का यूज करते थे, तो उससे मुझे अजीब तरीके से मेरे बाल चिपचिपे रहते थे, बेकार लगता था मुझे, और बाल घुंघले टाइप के थे। जब हम इसको यूज करने लगे तो मेरा बाल भी सही हो गया। आप देख सकते हैं कैसे मेरे बाल हैं, पहले से ज्यादा डिफरेंस आ गया। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ये बॉडी से लेके, हेयर से लेके, खाने से लेके, हर एक चीज में मुझे बहुत ज्यादा परफेक्ट लगा, सरसों ऑयल से ज्यादा जी। ठीक है। लोगों ने अभी तक ए ग्रेड कोकोनट ऑयल यूज नहीं किया है, उन लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहोगे? जो लोगों ने अभी तक एक ग्रेट कोकोनट ऑयल को नहीं यूज़ किया है, हम उनको ये बताना चाहेंगे कि आप एक बार इसको यूज़ करके ज़रूर देखिए, क्योंकि सरसों का ऑयल हम लोगों के यहाँ बहुत सदियों से यूज होता आ रहा है, पर एक बार आप इसको यूज़ करके देखिए, इसका नंबर वन ब्रांड ही है। और पहली बात, इसको यूज़ करने से सरसों ऑयल और इसको अगर डिफरेंस देखेंगे तो स्वाद, खाना को स्वाद बनाने में स्वादिष्ट नंबर वन का है एक ग्रेट कोकोनट ऑयल। आप एक बार इसको यूज़ करके ज़रूर से ज़रूर देखिए आप लोग, क्योंकि नंबर वन ब्रांड का ये कोकोनट ऑयल है। दोस्तों ए ग्रेड कोकोनट ऑयल नॉर्मल कोकोनट ऑयल नहीं है, इसमें प्योर कोकोनट ऑयल के साथ कोकोनट ट्री का एक मेन चीज भी ऐड किया जाता है, जो मेरी कंपनी की फाउंडर मेरी वाइफ डॉक्टर अहिल्या का सीक्रेट है, जिसमें कुकिंग का साथ में ही हेल्थ में भी बेनिफिट रहता है। दोस्तों ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें वीडियो डिलीट होने से पहले, क्योंकि इस वीडियो में हमने टॉप सीक्रेट आपके साथ शेयर किया है फेक ब्रांडेड कंपनीज के, सो वीडियो डिलीट होने का चांसेस ज्यादा है, इसीलिए मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। दोस्तों मेरे लाइव के साथ जुड़ने के लिए प्रिगल ग्रुप सब्सक्राइब करें, और ए ग्रेड कंपनी का फैक्ट्री देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करें। प्री ऑर्डर नाउ व्हाट्सएप या फिर कॉल करें 7909133555।